Students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to continue with this chapter, the Shepherd's Treasure. Now, although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. He was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. In spite of all the power and dignity, the shepherd remained humble and modest. People like him and were full of appreciation of his wisdom and kindness. His behavior was just to everyone. He became popular as a good and a wise governor. अब क्या था जो गडरिया था वो गवर्नर तो बन गया लेकिन अपनी जो उसकी पुरानी जो आदत थी जैसे लोगों का आदर करना विनम्रता दर्शाना सकारात्मक जो है वो उसका भाव जो है वो उसको नहीं छोड़ पाया। ज़िले में जो जिस स्टेट का वो गवर्नर बना था वहाँ पर उसकी जो है वो नेम और फेम बढ़ता गया ठीक है। और इस तरीके से जो बाकी के जो गवर्नर्स थे प्रोविंस के वो उससे जो क्या है नफरत करना शुरू हो गए जेलिस करना उन्होंने शुरू कर दी। नाउ द गवर्नर्स ऑफ द अदर प्रोविंस ग्रू टेरिबली जेलियस ऑफ हिम एंड बिकम टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ ए पार्ट ऑफ मनी दैट ही कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम द पीपल वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडिड an iron chest perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected after all they said mockingly he was an ordinary shepherd and could behave no better governor of other states developed jealous for him they started speaking against him to the king they started calling him dishonest and blame him for keeping a part of the tax money with him they even posed questions over his iron chest they said that it had all the treasure he had collected secretly they had fun of him calling him a common shepherd who was expected to behave in such a dishonest manner। अब क्या था जो दूसरे जो गवर्न प्रांत के जो गवर्नर थे वो उससे क्या गडरिए से जलना शुरू हो जाते हैं। वो क्या करते हैं राजा के उनमें से कुछ लोग जो है वो राजा के कान भरना शुरू कर देते हैं ठीक है और कह देते हैं कि वो जो गडरिया जो है वो लोगों से क्या करता है टैक्स इकट्ठा करता है और अपने पास एक बक्सा रखा हुआ है उसने अपने पास जो है एक बक्सा अपने साथ एक बक्सा रखता है और उसमें ज़रूर बोलता है कि उसमें सोने चांदी के जो जेवरात जो है वो उसमें भरे पड़े हैं। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज स्पोर्ट्स बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड्स वन थिंग वॉज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। आयरन चेस्ट मीन्स होता है संदूक मीन्स की एक बक्सा जो कि लोहे का एक बक्सा है। इनिशली द किंग पे नो अटेंशन टू सच वर्ड्स बट ग्रेजुअली ही डिड नॉट बिलीव दैट द गवर्नर कैरिड एन आयरन चेस्ट विद हिम ही थॉट दैट ही मस्ट इंक्वायर अबाउट द रीज़न ऑफ कैरिंग एन आयरन चेस्ट विद ऑल द टाइम। अब बात क्या थी जो शेफर्ड जो है वो गवर्नर बन चुका है ठीक है एक प्रांत का एक स्टेट का गवर्नर बन चुका है ठीक है और दूसरे स्टेट के जो गवर्नर है वो उससे क्या है जलना शुरू कर देते हैं और वो लोगों के कान भरना वो राजा के कान भरना शुरू कर देते हैं कि ये ना शेफर्ड जो है वो अपने साथ एक ना बक्सा जो है वो कैरी करके रखता है अपने साथ हर टाइम एक बक्सा रखता है ठीक है। बोलता है कि उस बक्से में इसने लोगों से टैक्स इकट्ठा किया है ठीक है उसमें खूब सारे मीन्स की सोने के और चांदी के जवाहरात जो है वो उसने ज्वेलरी जो है वो उसने रखी थी। अब स्टार्टिंग में जो राजा जो है वो उनकी बातों के ऊपर कोई अटेंशन नहीं पे करता मीन्स की वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता लेकिन कब तक जो है वो राजा इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देगा क्योंकि वो सोचता है कि एक गवर्नर जो है वो अपने पास जो है वो एक आयरन चेस्ट क्यों रखेगा। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द प्लेस ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल बैक। अब नाउ
Thus the king called the governor to the palace. He came to on his camel. Everyone was feeling joy as the most talked about iron chest was tied behind him on the camel's back. अब जो है राजा समन होता बुलावा भेजना. अब राजा ने क्या किया, उसको बुलावा भेजा, बुलाया अपना डाउट क्लियर करने के लिए. वो भी देखना चाहता था कि ये जो शेफर्ड जो है वो अपने पास बक्सा जो है वो क्यों कैरी करके रहता है, आखिर इस बक्से में है क्या. नाउ द किंग वॉज एंग्री. ही थंडर्ड, वाई डू यू ऑलवेज कैरी द आयरन चेस्ट विद यू, वाई डज इट, वट डज इट कॉन्टेन. नाउ नाउ द किंग सीइंग दिस द किंग शाउटेड एंड एंगर एंड आस्क हिम द रीज़न ऑफ कैरिंग दैट आयरन चेस्ट विद हिम. अब जो राजा जो है वो गुस्से में उसको बोलता है कि तुम ये अपने साथ मीन्स की क्या कैरी करके रखते हो, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है, तुम क्या क्यों कैरी करके इसको अपने साथ जो है वो रखते हो अपने इस बक्से को, मुझे इसके इसको इसको खोल के बताओ. द गवर्नर स्माइल्ड, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द चेस्ट. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड्स टू बी फाउंड आउट, बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन्ड. नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट कम आउट. अब क्या था, द गवर्नर स्माइल्ड एंड आस्क हिज अटेंशन टू ब्रिंग दैट चेस्ट. ऑल द पीपल वर वेरी क्यूरियस टू सी एंड फाइंड वट इट हैज इट हैड इनसाइड, बट वैन इट वॉज ओपन दे फाउंड नो प्रीशियस गोल्ड एंड सिल्वर बट एन ओल्ड ब्लैंकेट. द शेफर्ड टुक इट इन हिज हैंड्स एंड प्राइड एंड एक्सप्लेन्ड टू द किंग दैट इट वॉज हिज ट्रेसर. अब राजा जो है, अब गवर्नर जो है वो हंसता है, ठीक है. गवर्नर जो है वो ऊँट के सवार होकर राजा के एक महल में आ गया है. राजा उसके चिल्लाता है कि तुमने ये अपने पास क्यों रखा है. अब गडरिया जो है मुस्कुराता है और अपने नौकर को बक्सा लाने के लिए होता है. उस बक्से जैसे ही वो, अब लोग वहाँ पे जितने भी खड़े थे, ठीक है, वो सारे के सारे बक्सा जो है वो देखने के लिए तैयार थे कि इसमें है क्या आखिरकार. जैसे ही वो बक्सा खोलता है, ठीक है, तो राजा जो गडरिया है उसके हाथ में एक हाथ कंबल उसके हाथ में एक कंबल होता है, ठीक है, और एक लाइट होती है, ठीक है, जो कि वो राजा को जो है वो दिखाता है. मीन्स कि राजा को जो है वो दिखाता है कि वहाँ पे बोलता है कि मेरे पास एक कंबल है पुराना, इस बॉक्स में कोई सोना चांदी नहीं है. होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सैड, दिस इज माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी. द शेफर्ड टुक इट इन हिज हैंड्स विद प्राइड एंड एक्सप्लेन्ड टू द किंग दैट इट वॉज हिज ट्रेजर. अब जो है मीन्स कि राजा वो जो शेफर्ड जो है वो कंबल दिखाता है राजा को कि तुम लोग ये देखो मेरे बक्से, जो बक्सा मेरे पास है उसमें सिर्फ एक कंबल है पुराना सा. वो बहुत ही प्राउडली तरीके से जो है वो बताता है. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड. टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, इट वॉज स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एनी टाइम द जैसे यू विश टू टेक मी अवे माई न्यू क्लॉक्स. नाउ अब क्या होता है कि फाइनली जो किंग था वॉज क्यूरियस टू नो द रीज़न फॉर कैरिंग सच एन ब्लैंकेट, टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड इन अ वेरी डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टफुल मैनर दैट ब्लैंकेट वॉज हिज ओल्डेस्ट फ्रेंड, इन द टाइम्स ऑफ नीड इट वुड प्रोटेक्ट हिम इफ द किंग विश्ड ही कुड टेक न्यू क्लोथिंग, बट दैट ब्लैंकेट वेरी डियर टू हिम. अब क्या था कि बोलता है कि राजा उससे पूछता है कि तुमने ये कंबल क्यों रखा है, ले रखा है अपने पास, ये तो क्या है कि तुम तो एक प्रांत के गवर्नर हो फिर भी तुमने अपने पास साथ ये जो है वो कंबल जो है कैरी करके रखा है. तो वो बोलता है कि नहीं मैजेस्टी, कि ये जो कंबल है ये मेरा पुराना मित्र है, ठीक है, तो ये हमेशा मेरे, चाहे आप मुझे जितने भी अच्छे कपड़े क्यों ना दे दो, ये जो कंबल है हमेशा मेरे साथ ही रहेगा क्योंकि इसने स्टार्टिंग से मेरा बहुत ज़्यादा साथ जो है वो दिया है. हाउ प्लीज द किंग वाज एंड हाउ इम्प्रेस्ड द जेलियस गवर्नर बिकम हियर टू वाइज मैन रिप्लाई, नाउ दे न्यू द शेफर्ड वाज इंडीडेड द हम्बल एंड वाइजेस्ट मैन इन द लैंड. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट देन वेरी दे. किंग फेल्ट वेरी हैप्पी टू हियर हिज वर्ड्स. गवर्नर वर अशेम्ड, नाउ इट वॉज क्लियर टू एवरीवन दैट द शेफर्ड वॉज द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन देयर. फीलिंग प्राउड ऑफ हिम द किंग गेव हिम अ बिगर डिस्ट्रिक्ट टू लुक आफ्टर एट दैट वेरी टाइम. अब क्या था,
अब राजा को वो कंबल दिखाता है, राजा उससे पूछता है कि तुम कंबल क्यों देते हो, तो बोलते हैं कंबल जो है ये मेरा ओल्डेस्ट फ्रेंड है, मान लो कि कल आप मुझे जो है वो नौकरी से निकाल दो, ठीक है, जो मारा बोलता है कि तुम मुझे नौकरी से निकाल दो, आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो ये कंबल जो है ये मेरा फिर से जो है वो मेरा साथ जो है वो देगा। और राजा को ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और राजा बोलता है, राजा बोलता है कि ये जो शेफर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, हम्बल है और वाइजेस्ट मैन है इस धरती के ऊपर। वो क्या करता है, उसको फिर से गवर्नर बनाता है, अब एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर उसको बना देता है। पहले उसने उसको छोटे डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया था, अब उसकी इस बात को देखकर जो है वो बड़े डिस्ट्रिक्ट का उसको गवर्नर जो है वो बना देते हैं। और बाकी जो गवर्नर्स थे उनको जो है वो शर्म आना महसूस हो जाती है कि हम किस इंसान के ऊपर क्या है जो इल्ज़ाम जो है वो लगा रहे थे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर स्टोरी, आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।